इंडियन गोर, जिसे भारतीय बाइसन भी कहा जाता है, अगर इसकी लड़ाई एक अमेरिकन बाइसन से करा दी जाए तो यहाँ पर विजेता कौन होने वाला है, आज के इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकन बाइसन की। अमेरिकन बाइसन लगभग दो सदी पहले उत्तरी अमेरिका के पश्चिम क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पाए जाते थे, लेकिन 19वीं सदी के आते आते इनकी संख्या में काफ़ी भारी गिरावट आ गई। लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद मौजूदा समय में इनकी संख्या में थोड़ी वृद्धि देखी जा रही है। दोस्तों, अमेरिकन बाइसन बड़े सिर वाला पशु होता है और इसके शरीर पर काफ़ी घने बाल होते हैं, क्योंकि ये जानवर अधिकतर ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं और इसी कारण इनके लंबे और घने बाल ठंड से इनका बचाव करते हैं। अमेरिकन बाइसन अक्सर झुंड के अंदर रहते हैं, जिसके अंदर इनके बच्चे और दूसरे बाइसन शामिल होते हैं। तो अब अमेरिकन बाइसन की शारीरिक विशेषताओं के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, इनके शरीर का भार 1000 किलोग्राम तक होता है, यानी कि 1 टन। वहीं इनकी शोल्डर हाइट यानी कि ऊंचाई 6 फीट होती है और इसके अलावा इनकी लंबाई लगभग 11 फीट होती है और इनके माथे पर 2 सींग निकले होते हैं, जो कि साइज में काफ़ी छोटे होते हैं। वैसे तो ये जानवर काफ़ी बड़े झुंड में होते हैं, जिसकी वजह से दूसरे जानवर इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं, लेकिन भेड़िया जैसे खतरनाक शिकारी इनको हमेशा नुकसान पहुँचाते रहते हैं, क्योंकि भेड़िए भी अक्सर झुंड में ही रहते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई अमेरिकन बाइसन के बारे में कुछ जानकारियाँ। अब हम जानेंगे इंडियन गोर से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। भारतीय गोर एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाला एक बड़ा काले लोम से ढका गोजातीय पशु है। ये मुख्य रूप से भारत प्रायद्वीप असम और बर्मा मलाया प्रायद्वीप तथा श्याम के पहाड़ी वनों में पाया जाता है। इसका सर्वोत्तम विकास दक्षिण भारतीय पहाड़ियों तथा असम में होता है। किसी समय ये प्राणी श्रीलंका में भी पाया जाता था, लेकिन किसी पशु रोग के चलते आज के समय में ये वहाँ से पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं। अगर इनकी शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो ये अमेरिकन बाइसन से भी काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं, जहाँ इनका वजन 1200 से 1300 किलोग्राम तक होता है और शोल्डर हाइट लगभग 6 फीट होती है, जो कि बाइसन के बराबरी होती है। लेकिन इनकी लंबाई बाइसन से भी ज़्यादा होती है, जहाँ ये लगभग 13 फीट तक लंबे होते हैं। और इनके सींगों की बात करें तो इनके सींग काफ़ी लंबे होते हैं, जो कि 27 से 30 इंच तक होते हैं। तो यहाँ पर हमने अमेरिकन बाइसन और इंडियन गोर से जुड़ी काफ़ी सारी जानकारियाँ ली और अब हम जानेंगे कि आखिर इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा तगड़ा है। तो दोस्तों, यहाँ पर अमेरिकन बाइसन भले ही काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन इंडियन गोर भी उनसे कमज़ोर नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन बाइसन का शरीर इतना गठीला नहीं होता है जितना कि एक इंडियन गोर का होता है, और जाहिर सी बात है कि जिसका शरीर ज़्यादा मस्कुलर होगा उसके अंदर ताकत भी ज़्यादा ही होगी। इसलिए यहाँ पर अमेरिकन बाइसन के मुकाबले इंडियन गोर ज़्यादा ताकतवर है, और ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल टाइगर इंडियन गोर को अपना शिकार बनाते रहते हैं, लेकिन बंगाल टाइगर कभी भी एक पूरी तरह वयस्क इंडियन गोर पर हमला नहीं करते हैं, जिससे कि इंडियन गोर की ताकत का आसानी से पता चलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर यही डिसीजन निकल कर आता है कि ओवरऑल इंडियन गोर ही विनर होगा। वैसे आपका इस फाइट के बारे में क्या ओपिनियन है, आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।